हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी एंड अपडेट। दिस साइड सिद्धि एंड आज हम लोग करने पर वाले हैं मेडिएवल इंडिया का ही टॉपिक ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल। हम ऑलरेडी अपनी लास्ट वीडियो में कवर अप कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो ना देखी हो तो जाइए प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट कीजिए। आज मैं आप लोगों को पल्लास प्रतिहारा और राष्ट्रकूट के बारे में पूरे डिटेल में पढ़ाने वाली हूँ और इससे रिलेटेड भी आप लोगों से क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सब कुछ आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए अपनी आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करना। तो आज हम लोग पल्लास प्रतिहारा और राष्ट्रकूट को डिटेल में पढ़ेंगे कि ये टाइम पीरियड इनका कितने टाइम तक था इस डायनेस्टी का, इस डायनेस्टी का राजा कौन था और क्या क्या चीजें यहाँ पर हुई थी और इनसे रिलेटेड किस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये सब कुछ मैं आपको वीडियो में आज कराने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो के एंड तक बने रहना और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना। तो सबसे पहले जो हम बात करने वाले हैं वो है पल्लास के बारे में। तो पल्लास की जो डायनेस्टी, इसका जो टाइम पीरियड है, इन लोगों ने रूल कब तक किया था, तो ये किया था इन लोगों ने 750 से लेकर के 1150 तक। ठीक है, टाइम पीरियड जरूर याद रखना है क्योंकि इस तरीके से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और इसके फाउंडर कौन थे, इसकी स्थापना किसने की थी, तो वो की थी गोपाला ने। तो गोपाला ने 750 में पाल साम्राज्य की क्या की थी, स्थापना की थी। और उनके जो पुत्र थे वो कौन थे, धर्मपाल, जिनका टाइम पीरियड क्या है, 770 से लेकर के 810 तक उन्होंने क्या हुआ, वो उन्हें सफल हुए थे। क्लियर। और लास्ट अगर हम धर्मपाल की बात करेंगे तो धर्मपाल ने क्या करा था, नालंदा यूनिवर्सिटी को पुनर्जीवित किया था, रिवाइव किया था। ये सारे पॉइंट जितने भी मैं आपको यहाँ पॉइंट्स बता रही हूँ, ये एक तरीके से आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पल्लास का आप लोगों का टाइम पीरियड मैंने बता दिया, इसकी स्थापना किसने की थी, तो वो थी गोपाला, और गोपाला का सन कौन है, धर्मपाल। तो ये सारे पॉइंट आप लोग याद रखना। आगे इनके बारे में अगर हम और बातें पढ़ेंगे तो धर्मपाल ने और क्या फाउंड किया था, तो उन्होंने फाउंड किया था विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, जो कि कहां पर है, बिहार में। तो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी बिहार में जो है उसकी स्थापना किसने की थी, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, धर्मपाल ने। क्लियर। नेक्स्ट वन इज द पाल डायनेस्टी वाज सक्सीडेड बाय सेन डायनेस्टी ऑफ बंगाल। तो जब इन लोगों ने क्या करा था, जब पाल वंश की यहां पर उत्तराधिकारी क्या था, बंगाल का राजा जो सेना था वो राजवंश था, तो ये बाद में क्या किसमें बदल गया था, ये किसमें बदल गया था, आप लोगों का रिप्लेस हो गया था पल्लास में। जो ये पल्लास की डायनेस्टी है, ये पहले क्या कौन सी डायनेस्टी थी, तो ये थी आप लोगों की सेना डायनेस्टी। ठीक है, तो ये आप लोगों की पहले कौन सी डायनेस्टी थी, सेना डायनेस्टी थी। बाद में जब ये जीत गए पल्लास, तो ये पाला की डायनेस्टी किसमें बदल गई, आप लोगों की आ जाती सेन डायनेस्टी बदल करके आपकी पाला डायनेस्टी में। क्लियर। अब कौन आता है, दूसरी बात आपको याद रखनी है कि इस टाइम पर जो जयदेव हैं वो लक्ष्मण सेना के महान कवि थे। तो इस टाइम पे आपसे एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि पल्लास के समय पर जो पोएट थे, ग्रेट पोएट, वो कौन थे, तो आपका राइट आंसर क्या है, जयदेव। और यहाँ पे क्या होता है, गोपाल ने मंडन पाल यहाँ पे कौन है, अंतिम पाल राजा थे। तो आपको मैंने फाउंडर बता दिया, अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि लास्ट पल्लास के जो फाउंडर थे वो कौन थे, लास्ट जो राजा थे पल्लास के वो कौन थे, तो वो थे आप लोगों के मदन पाल। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, गोपाल बिल्ट द मोनेस्ट्रीज ऑफ उदयपुरी बिहार। तो गोपाल ने क्या बनाया था, उदयपुरी बिहार में एक मठों का इन लोगों ने निर्माण करा था, किसने किया था, गोपाल ने। और ही कंसिडर द फर्स्ट बुद्धिस्ट किंग ऑफ बंगाल, तो बंगाल का इन्हें पहला बौद्ध राजा माना जाता था, किसे, गोपाल को। याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और लास्ट वीडियो में मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि ये किसको मानते थे, बौद्ध धर्म को मानते थे, बुद्धिज्म को। ठीक है, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में कवर अप कराया है। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट बातें पाल धर्म से रिलेटेड, जो आप लोगों की पाल डायनेस्टी से रिलेटेड, जो आप लोगों के एग्जाम में यही सब पूछे जाते हैं। अभी हम इनसे बेस्ट क्वेश्चंस भी करने वाले हैं। अब हम बात करेंगे प्रतिहार की। तो प्रतिहार के जो टाइम पीरियड था, इन लोगों ने रूल कब किया था इस डायनेस्टी ने, तो ये था 730 से लेकर के 1036 ईसा पूर्व तक। ठीक है, ईसवी तक इन्होंने ये प्रतिहार ने रूल किया था। और प्रतिहार को और क्या बोला जाता था, गुज्जर प्रतिहारा के नाम से भी हम लोग जानते हैं, शायद इसलिए क्योंकि मैंने आपको बताया था कहाँ के थे, गुजरात और दक्षिण पश्चिम राजस्थान से इनका क्या हुआ था, ये उत्पन्न हुए थे। नेक्स्ट वन इज, इसके जो ग्रेटेस्ट रूलर हम लोग देखेंगे तो वो है बोझा या मीर बोझा के नाम से ये जाने जाते हैं। इस वंश के क्या थे, सबसे महान शासक थे,
ग्रेटेस्ट रूलर थे। इनका टाइम पीरियड है 836 से 882 तक और ये विष्णु के भक्त थे और इन्होंने उन्हें क्या बोला जाता था, साथ ही साथ आदि वराह की उपाधि भी धारण की थी। ठीक है, तो ये किसको मानते थे, विष्णु भगवान को मानते थे और इन्होंने जो टाइटल अडॉप्ट करा था वो क्या था, आदि वराह। तो ये बात याद रखना कि पाल धर्म के लोग बौद्ध धर्म को मानते थे और ये जो है प्रतिहारा की जो डायनेस्टी है ये किसको मानते थे, विष्णु भगवान की ये लोग पूजा करते थे। और इन्होंने कौन सा टाइटल अडॉप्ट किया था, तो वो है आप लोगों का आदिरवा। तो आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आदिरवा का जो टाइटल है वो किसने अडॉप्ट किया था, तो आपका राइट आंसर होगा मीर भोजा या बोजा। क्लियर, आगे बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट पॉइंट पर। तो नागावट मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी थी, जो ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल हुआ था, जो ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल में जो विजय प्राप्त किया था और कन्नौज को अपना जो राजधानी बना लेता वो गुर्जर प्रतिहारा के राजा नागावट सेकंड ने बनाया था। इसका टाइम पीरियड था 725 से लेकर के 740 तक और ये प्रतिहारा के क्या है, फाउंडर हैं। और इन्होंने क्या करा था, कन्नौज को अपनी राजधानी बना ली थी, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, अल मसूदी जो है ये बागदाद के ट्रेवल है और ये कहाँ पर आए थे, भारत में विजिट करने आए थे, किस दौरान, जब प्रतिहारा उस समय राजा था। क्लियर, नेक्स्ट पॉइंट इज जो राजेश शेखर है ये क्या थे, ये ग्रेटेस्ट संस्कृत पोएट है। यहाँ पे जो ग्रेटेस्ट संस्कृत पोएट कौन थे, वो है राजशेखर। आपके पाल वाले में मैंने आपको बताया था, ये जितने पॉइंट्स बता रही हूँ इनसे ही आपके क्वेश्चंस बनेंगे। तो राजशेखर ही ग्रेट पोएट हैं और साथ ही साथ ड्रामेस्ट हैं। ये किस कौस के कोर्ट में आए थे, महीपाल के, जो कि किसका, मिहिर भोजा का बेटा है। ठीक है, यहाँ पर जो प्रतिहारा किंग के, गुर्जर प्रतिहारा किंग जो लास्ट थे वो थे राजपाला। याद रखना, राजपाला प्रतिहारा किंग के लास्ट आखिरी राजा थे और राजपाला ने रूल किया था तो गुर्जर प्रतिहारा डायनेस्टी में, कब, जब मोहम्मद गजनवी ने यहाँ पर अटैक किया था। ये क्वेश्चन आपसे जरूर पूछा जाता है, जब जो मोहम्मद गजनवी ने जब यहाँ अटैक किया था 1018 में, तो उस टाइम पे राजा कौन था प्रतिहारा में, तो वो थे राजपाला। क्लियर, तो द प्रतिहारा पावर बिगेन टू डिक्लाइन आफ्टर द मोहम्मद गजनवी अटैक द किंगडम ऑफ द इन 1018। तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि जब गुज्जर प्रतिहारा पे अटैक करा था महमूद गजनवी ने, तो यहाँ पर क्या हुआ था, अब उनकी क्या हो गई थी, पावर जो है वो डिक्लाइन होने लग गई थी। हिंदी वाले स्टूडेंट भी यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, आप लोगों के लिए भी लिया है तो आप ये नोट डाउन कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर भी मैंने आपको जितनी बातें ऑलरेडी मैं पढ़ा चुकी हूँ, बट आपको ये सारी बातें पता होना चाहिए कि इस डायनेस्टी के राजा कौन थे, फाउंडर कौन थे, लास्ट किंग उस समय कौन था और महमूद गजनवी जब आए थे तो उस समय राजा कौन था। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट आपको जरूर पता होना चाहिए। आगे बढ़ेंगे अपने लास्ट डायनेस्टी राष्ट्रकूट डायनेस्टी के बारे में। तो राष्ट्रकूट डायनेस्टी ने रूल किया था 752 से लेकर के 973 तक और इसमें क्या थे, दांती दुर्ग थे। दांती दुर्ग ये आपको मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि दांती दुर्ग जो है ये बहुत ही फेमस किंग थे और इनकी जो इन्होंने अपनी कैपिटल बनाई थी उमालखंड कर्नाटक थी, इन्होंने फाउंड किया था इस किंगडम को। क्लियर, राष्ट्रकूट को जो स्थापना की थी वो थे दांती दुर्ग। ये फेमस, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको जरूर याद रखना। जो फेमस आप लोगों का रॉक कट टेम्पल है कैलाश शिवा का एलोरा में, ये बिल्ड किसने किया था, राष्ट्रकूट के राजा कृष्णा फर्स्ट ने। नोट डाउन कर लो, ये क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा, 100% है। ये क्वेश्चन आपको मैनी टाइम पूछा जा चुका है कि जो फेमस रॉक टेम्पल है कैलाश शिवा का एलोरा में, उसको राष्ट्रकूट राजा उस समय कौन था, तो वो थे कृष्णा फर्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, द ग्रेटेस्ट राष्ट्रकूट रूलर जो थे वो थे गोविंदा थर्ड। इनका टाइम पीरियड आप देख सकते हैं 1793 से लेकर के 814 तक एंड अमोघ वर्षा, ये दो राजा थे। हिंदी में भी आप लोग यहाँ देख सकते हैं, हिंदी में भी आप लोग देख लो कि राष्ट्रकूट जो गोविंद है और अमोघ वर्षा, ये दोनों सबसे महान राजा थे उस समय। क्लियर हो गया, शासक जो कर रहे थे राष्ट्रकूट के। तो टाइम पीरियड आप लोग याद रखना, जो दांती दुर्ग है उन्होंने यहाँ पर स्थापना की थी, ये भी बात याद रखना। और अलोरा में जो कैलाश शिव थे, जो प्रसिद्ध थे, उस समय जो राजा था वो कौन था, कृष्ण प्रथम द्वारा बनाया गया था। ये सारे पॉइंट याद रखना, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट है कि अमोघ वर्षा वॉज क्रिएटेड विद राइटिंग कबीराज मरगाया द अर्लीस्ट पोएटिक बुक इन कन्नड़। तो अमोघ वर्षा को क्रेडिट किस चीज का दिया जाता है, कि वो कन्नड़ में सबसे जो पहली काव्य पुस्तक कबीराज मार्ग लिखने का उन्हें श्रेय दिया जाता है। ओके,
ही ऑल्सो बिल्ट द कैपिटल सिटी मानिया खेत। तो उन्होंने राजधानी शहर जो मानिया खेत का भी क्या किया था, निर्माण किया था। और कृष्णा थर्ड जो है, जो कृष्णा तृतीय है, वो अंतिम प्रभावशाली शासक थे जिन्होंने चोल राजा के पन्नाटक प्रथम को हराया था। तो चोल के जो राजा है पन्नाटक फर्स्ट, उसको किसने हराया था, वो हराया था कृष्णा थर्ड ने। ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, इन्हीं सभी से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आई होप अब आपको ये तीनों डायनेस्टी में क्लियर हो गया होगा कि कब कौन सी चीजें हुई थी और इन सबों ने कितने समय तक रूल किया था। ठीक है, राष्ट्रकूट के बारे में और बातें देखेंगे। तो राष्ट्रकूट में ना केवल सीबी सिम और विष्णुवाद को बल्कि वो जैन धर्म को भी मानते थे। मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, जो राष्ट्रकूट है वो शिव भगवान को ही नहीं, विष्णु भगवान को नहीं, वो जैन धर्म को भी मानते थे। ठीक है, अगर हमने अभी पढ़ा था जो पाल के लोग थे वो लोग सिर्फ आप लोगों के बौद्ध धर्म को मानते थे, जो प्रतिहारा है वो विष्णु भगवान को मानते थे, लेकिन जो राष्ट्रकूट है वो शिव भगवान को, विष्णु भगवान को ही नहीं बल्कि वो जैन धर्म को भी मानते थे। क्लियर, देवर द इन द कॉन्टेस्ट विद द पल्लास चोलास एंड चोलक्य इन द साउथ। जो राष्ट्रकूट के लोग हैं इनकी लड़ाई पल्लास के साथ, चोलास के साथ और चालुक्य के साथ, इन तीनों के साथ इनके साथ युद्ध चलता रहा। क्योंकि मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि इन तीनों ने क्या किया, चोलास थे इन्होंने साउथ वाले हिस्से में जो डेक्कन वाला हिस्सा है वहां पर इन लोगों ने क्या करा था, आक्रमण कर दिया था, अटैक कर दिया था। तो उसको बचाने के लिए राष्ट्रकूट अपने साउथ वाले हिस्से को बचाने के लिए इन तीनों के साथ लड़ाई करता रहा था। क्लियर हो गया, तो आई होप अब आप लोगों को ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। तो ये था आप लोगों का पूरा कंप्लीट त्रिपाटा स्ट्रगल जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में कवर अप कराया था। आज मैंने आपको पल्लास प्रतिहारा और राष्ट्रकूट को डिटेल में पढ़ा दिया। तो चलिए अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे ही आपके क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। पूरी कोशिश, अगर इन टॉपिक से आपसे क्वेश्चन है तो यही क्वेश्चन आपको वहां देखने को मिलेंगे। क्लियर, तो चलिए देखते हैं कि अब आप लोगों को कितना समझ में आया और कितने क्वेश्चन आप लोग यहाँ कर सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम यहाँ करने वाले हैं, नेम द ग्रेटेस्ट गुरु प्रतिहारा रूलर हु इज कंसिडर्ड एज द रियल फाउंडर ऑफ द प्रतिहारा डायनेस्टी। अभी मैंने आपको बताया कि प्रतिहारा डायनेस्टी के, गुजर प्रतिहारा डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे, तो वो थे बोझा, मीर बोझा। क्लियर, मीर बोझा को कौन से टाइटल से अज्यूम किया जाता है, तो वह अभिवर्षा यानी कि प्रभाव से, ठीक है, आदि वर्षा यानी प्रभाव से उन्हें यह अज्यूम की उपाधि दी गई थी। नेक्स्ट वन इज द ग्रेटेस्ट संस्कृत स्कॉलर एंड ड्रामेस्टिक राजशेखर जो इन द लिव्ड आए थे, किसके टाइम पर, प्रतिहारा के रूप में के दरबार में आए थे, तो वो कौन था, तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था वो थे महीपाल, जो महान संस्कृत विद्वान थे और नाटककार थे, जो राजशेखर के उसमें दरबार में आए थे। ठीक है, जब कौन, गुज्जर प्रतिहारा के शासक का टाइम चल रहा था, तो उस टाइम पे महीपाल आए थे। क्लियर हो गया, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अल मसूदी जो है उन्होंने विजिट किया था गुजरात को और उन्होंने लिखी थी ग्रेट डील अबाउट द स्ट्रेंथ एंड प्रेस्टीज ऑफ गुज्जर प्रतिहारा किंगडम, ही वॉज अ नेटिव ऑफ विस सिटी। तो ये गुजरात जो है, इन्होंने जो अल मसूदी ने गुजरात का जो दौरा किया था, गुज्जर प्रतिहारा का साम्राज्य की जो ताकत थी और उसकी प्रतिष्ठा के बारे में बहुत कुछ लिखा था, तो वो किस शहर के मूल निवासी थे, तो वो थे बागदाद के। क्लियर, द किंग ऑफ विच डायनेस्टी वर वेरी फेमस फॉर द फाइनेस्ट कैवलरी इन द कंट्री। तो किस वंश के राजा में बेहतरीन घोड़सवार सेना के लिए प्रसिद्ध होते, तो वो थे गुज्जर प्रतिहारा। क्योंकि तो आपको अगर लास्ट वीडियो मेरी याद होगी तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था गुज्जर प्रतिहारा जो है ये क्या हुआ था, बैटल ये जीत चुका था, जो त्रिपाटा स्ट्रगल चल रहा था वो जीत चुका था, कन्नौज को अपनी राजधानी बना चुका था। और इसलिए वो क्यों, क्योंकि उसके बाद घुड़सवार जो सेना थी वो ज्यादा थी, वो बेहतरीन अच्छी थी, इस वजह से ये जीत पाया था। वॉज द फर्स्ट राष्ट्रकूट किंग टू इंडल्ज इन द त्रिपाटा स्ट्रगल। अभी मैंने आपको बताया जो राष्ट्रकूट किंग का जो पहला राजा था वो कौन था, ध्रुव था। ठीक है, ध्रुव, वस्त्रराज और धर्मपाल उनके क्या थे, समकालीन थे, वर इन हिज कंटेम्प्ररी। ये सारे के सारे क्वेश्चन नोट डाउन कर लेना, यही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, इनसे रिलेटेड जो भी मैंने आपको पढ़ाया। अगर आपको कोई भी डाउट हो, आपको कुछ भी कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपके सारे डाउट को क्लियर करेंगे। क्लियर, नेक्स्ट वन इज हु बिल्ट द फेमस रॉक कट शिवा टेम्पल इन इलोरा केव। तो वो किसने बनाया था, राष्ट्रकूट के राजा कृष्णा फर्स्ट ने कब बनाया था, 9th सेंचुरी में। ठीक है, 9th सेंचुरी में बनाया था उन्होंने। विच राष्ट्रकूट रूलर डिफीटेड कन्नौज रूलर नागभट्ट एंड एनेक्स्ड मालवा। तो राष्ट्रकूट का वो कौन सा रूलर है जिसने
कन्नौज के जो नागभट रहे उसके रूलर को हराया था और मलवा को अपने अंडर में ले लिया था, तो वो थे गोविंदा थर्ड। ठीक है, गोविंदा थर्ड थे जिन्होंने क्या करा था, नागभट को हरा करके मालवा को कब्जे में ले लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज एक्रेडिटेड एज अ ऑथर ऑफ द फर्स्ट कन्नड़ बुक ऑन पोएटिक्स। तो काव्य पर पहली कन्नड़ की जो पुस्तक के लेखक थे वो किन, उन्हें किसको बोला गया है, तो मैं अभी आपको बताया अमोघ वर्षा। विच राष्ट्रकूट रूलर एक्सपेक्टेड टिल रमेश्वरम टू डिफीट द चोलास एंड देन सेट अप अ विक्ट्री पिलर एंड अ टेम्पल ओवर देयर। तो किस राष्ट्रकूट शासक ने चोलों को हराने के लिए रामेश्वर तक शीघ्रता की और फिर वहां पे एक विजय स्तंभ और एक मंदिर स्थापित कर दिया, तो वो थे कृष्णा थर्ड। क्योंकि कृष्णा थर्ड है कहाँ के थे, ये के थे राष्ट्रकूट के रूलर थे, याद रखना। ठीक है, इन्हीं लोगों ने अटैक किया था चोलास पे, क्योंकि चोला की बात आई मैंने आपको बताया राष्ट्रकूट ने लड़ाई की थी क्योंकि उसको अपने साउथ वाले हिस्से पे बचाना था। बट आपको इतना याद रखना है कि उस टाइम पे राजा कौन था, रूलर कौन था और किसने क्या क्या किया था। क्लियर, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गुजर प्रतिहारा जो रूलर है मिहिर भोजा, वो किसके डिवोटी थे, तो वो थे विष्णु भगवान के। क्लियर, कमेंट करके आप अभी के अभी मुझे बताओगे कि इन्होंने कौन सा टाइटल अडॉप्ट किया था। गुजर प्रतिहारा रूलर वर मेनली हॉस्टाइल टूवर्ड्स द रूलर ऑफ विच रीजन। गुजर प्रतिहारा शासक मुख्य रूप के किसके शासक के शासकों के प्रति शत्रुतापूर्ण थे, तो वो थे अरब रूलर के। क्यों, क्योंकि मैंने भी आपको बताया अरब रूलर ने यहाँ पे क्या करा था, अटैक करा था। ठीक है, आक्रमण कर दिया था इन लोगों, क्योंकि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ उन्होंने भारत पर अरब के लोगों ने अटैक करा था। महमूद गजनी उन्होंने 17 टाइम भारत पर अटैक किया था, तो बहुत चीजें हुई थी, वो सब कुछ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कवर अप कराने वाली हूँ। आज मैंने ये पल्लास प्रतिहारा और आपको गुज्जर प्रतिहारा राष्ट्रकूट को डिटेल में पढ़ाना था, इसलिए मैं आपके लिए ये वीडियो लेकर आई हूँ। कि नेक्स्ट वीडियो जो हमारी होगी वो आपकी अरब इन्वेजन और टर्की इन्वेजन पर ही होने वाली है। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हु अटैक कन्नौज इन बिटवीन 1915 से 1918, डिस्ट्रॉय द सिटी एंड वीकेंड द गुज्जर प्रतिहारा किंगडम। तो आपके 915 से लेकर के 918 ईस्वी के बीच कन्नौज पर किसने हमला करा था, शहर को नष्ट कर दिया था, गुज्जर प्रतिहार साम्राज्य फिर क्या हो गया था, कमजोर पड़ गया था, तो वो थे राष्ट्रकूट का राजा इंद्र थर्ड। ठीक है, तो इसने अटैक कर दिया था जिसके वजह से क्या हुआ, गुज्जर प्रतिहारा जो है साम्राज्य वो वीक होने लग गया था, कमजोर कर दिया था। क्लियर हो गया, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है देवपाल की उपाधि क्या थी, तो देवपाल की उपाधि थी परम सौगत। ठीक है, याद रखना हु वॉज द टाइटल ऑफ देवपाल, तो देवपाल की थी परम सौगत। द यूनिवर्सिटी ऑफ नालंदा वॉज डिवाइड बाय रूलर, बाय विच रूलर ऑफ पाला डायनेस्टी, तो वो थे धर्मपाल। क्योंकि मैंने अभी आपको बताया धर्मपाल ने क्या किया था, नालंदा यूनिवर्सिटी को क्या किया था, दोबारा से उसको पुनर्जीवित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज द ऑथर ऑफ रामपाल, तो रामपाल की जो बायोग्राफी है वो किसने लिखी थी, तो ये पॉइंट याद रखना, वो लिखे थे सद्या, तो वो थे संध्याकर नदी पर उन्होंने लिखी थी। बुक का नाम क्या है, रामपाल चरित्र। ये सारे पॉइंट याद रखना, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो मैंने आपको अंदर बुक्स के रिलेटेड नहीं बताए हैं, तो ये क्वेश्चन अगर आप कर लोगे तो सारे पॉइंट आपके कवर अप होने वाले हैं। ड्यूरिंग हुज रूल मोनार्क मुंगेर बिकेम द कैपिटल ऑफ पाला डायनेस्टी, तो आप लोगों के किस शासन काल में मुंगेर पाल वंश की राजधानी बना, तो वो थे देवपाल के टाइम पर, तो उस समय राजा कौन था, देवपाल था। व्हाट वाज द इंसाइनिया रॉयल सिंबल ऑफ राष्ट्रकूट डायनेस्टी, तो राष्ट्रकूट वंश का जो प्रतीक चिन्ह है, जो शाही चिन्ह है, वो क्या माना जाता है, तो वो गरुण माना जाता है। ठीक है, क्या माना जाता है, गरुण। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच गुज्जर प्रतिहारा रूलर स्टार्टेड द त्रिपिटा स्ट्रगल फॉर द डोमिनेंस ऑफ कन्नौज, किस गुज्जर प्रतिहारा के शासक ने कन्नौज के प्रभुत्व के त्रिपक्षीय संघर्ष को शुरू किया था, तो वो थे वस राज जिन्होंने ये ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल राष्ट्रकूट की तरफ से स्टार्ट किया था। आगे बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट स्लाइड के क्वेश्चंस पे। विच राष्ट्रकूट प्रिंसेस वाज गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एडमिनिस्ट्रेट इन द रायचूर दोआब, तो आपके रायचूर दोआब के प्रशासन की जिम्मेदारी किस राष्ट्रकूट राजकुमारी को दी गई थी, तो वो थी अमोघ वर्ष प्रथम की पुत्री जो थी उन्हें दी गई थी। ठीक है, किसको, चंद्रोबल लाभे को। क्लियर, प्रतिहार प्रशासन के अधीन प्रांत भुक्ति का मुखिया कौन था, हु वॉज द हेड ऑफ प्रोविंस भुक्ति अंडर द प्रतिहारा एडमिनिस्ट्रेशन, तो वो थे हमारे गवर्नर ऑफ प्रोविंस वॉज कॉल्ड उपारिका बोला जाता था, तो वो प्रांत के राज्यपाल थे जिन्हें उपारिका कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रकूट प्रशासन के तहत सीधे प्रशासित क्षेत्रों को
किसमें विभाजित किया गया था, तो वो आपके किया गया था राष्ट्रकूट के प्रांत, विसाय के जिला में और भुक्ति में। इसमें राष्ट्रकूट का एडमिनिस्ट्रेशन डिवाइड किया गया था। याद रखना, जो राष्ट्रकूट की एडमिनिस्ट्रेशन है उसको किसमें डिवाइड किया गया था, तो वो था उनके प्रोविंस में, डिस्ट्रिक्ट में और भुक्ति में। नेक्स्ट वन इज, व्हाट वाज द मेन फंक्शन ऑफ उपारिका एंड राष्ट्रपति अंडर द प्रतिहारा एंड राष्ट्रकूट एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम। तो वो ये लोग क्या करते थे, जो प्रतिहारा और राष्ट्रकूट जो प्रशासन प्रणाली के तहत, ये लोग जो उनके जो राष्ट्रपति का था, उनका मेन काम क्या था, टू कलेक्ट द लैंड रेवेन्यू एंड मेंटेन लॉ। तो उनका काम था लैंड रेवेन्यू को कलेक्ट करना और जो भी लॉ है, कानून है, उसको मेंटेन, बनाए रखना, ये काम था उस समय इन लोगों का। क्लियर हो गया। आई होप आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन जरूर प्रेस करना ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी अपलोड हो चैनल पे तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो ये होता है आपका पूरा कंप्लीट रिपर्टाइज स्ट्रगल खत्म, विद एक्सप्लेनेशन विद क्वेश्चंस के साथ मैंने आपको ये बताया। वीडियो कैसी लगी सब कुछ कमेंट करके जरूर बताना, ताकि ऐसे ही अब हम लोग पूरी मेडिएवल हिस्ट्री को कवर अप करने वाले हैं। तो ज्यादातर कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी, लाइक जरूर करना, वीडियो पसंद है शेयर जरूर करना। तो आज हमारा ये पूरा कंप्लीट रिपर्टाइज स्ट्रगल जो है वो खत्म होता है दो पार्ट में। इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा तो यही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करेंगे, जो हमारा इन्वेजन हुआ था, जो मुस्लिमों ने अटैक किया था भारत पर, वो सब कुछ अब हम पढ़ने वाले हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो उसके लिए चैनल पर बने रहो, चैनल सब्सक्राइब जरूर करना। तो आज की क्लास में बस इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग।